एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड पेजिंग। सो डिमांड पेजिंग एक टाइप है पेजिंग की। पेजिंग विद स्वैपिंग को हम नॉर्मल पेजिंग बोलते हैं और डिमांड पेजिंग को हम एक अलग डेफिनेशन देते हैं। तो डिमांड पेजिंग क्वाइट सिमिलर है जो नॉर्मल पेजिंग है या जो पेजिंग विद स्वैपिंग जिसे हम बोलते हैं, स्वैप की हेल्प से वो पेजिंग की जाती है, उससे क्वाइट सिमिलर है। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, डिमांड पेजिंग तभी करी जाती है जब सीपीयू डिमांड करे। अब सीपीयू डिमांड किसी भी प्रोसेस के लिए कर सकता है, किसी भी प्रोसेस के किसी भी पेज के लिए कर सकता है। उस बेसिस पर हम पेजेस को स्वैप इन या स्वैप आउट करवाते हैं मेन सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी या मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, राइट? तो अब सबसे पहला बेसिक पॉइंट तो यही है कि जो भी प्रोसेस सीपीयू डिमांड करेगा उसे सबसे पहले हम सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढेंगे। अगर तो वो सेकेंडरी मेमोरी में मिल जाता है तो इट्स ओके, अगर वो सेकेंडरी मेमोरी में नहीं मिलता तो उसे पेज फॉल्ट बोलते हैं। और फिर हमें उसे कुछ ना कुछ करके सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाना पड़ता है ताकि सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि हमें पता है कि सीपीयू सिर्फ वही प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा जो कि मेन मेमोरी में प्रेजेंट होंगे। सो देर आर सम लाइक मेथड्स टू एग्जीक्यूट द डिमांड पेजिंग। सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ यही है, सीपीयू गिवन है पी और डी, जहाँ पर पी पेज नंबर है, डी इंस्ट्रक्शन ऑफसेट है, ये हमारी पेज मैप टेबल है, ये मेन मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, और ये फ्रेम नंबर और ये इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। तो सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं हम। फर्स्ट केस में हमारे पास जो सीपीयू ने डिमांड किया, मान लो वो है मेन मेमोरी में, मान लो कोई भी प्रोसेस P1 डिमांड किया और सीपीयू को डिमांड करते ही मेन मेमोरी में वो मिल गया, तो इट्स ओके, सीपीयू सिंपली एग्जीक्यूट कर देगा। बट नेक्स्ट केस अगर हम लें कि मान लो सीपीयू ने डिमांड की है P1 की और इनिशियली P1 मेन मेमोरी में नहीं है, तो हमें उसे सेकेंडरी मेमोरी में लाना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में। लेकिन इसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर आती है कि SM से सिर्फ वही प्रोसेसेस स्वैप इन या स्वैप आउट किए जा सकते हैं जो कि अनऑथराइज्ड यूज़र के एक्सेस से बिलोंग ना करते हों। जिसका मतलब है कि अगर CPU को पता चलता है कि मेन मेमोरी में रिक्वायर्ड या डिमांडेड प्रोसेस नहीं है, तो सबसे पहले OS को नोटिफाई करेगा कि चेक करो कि जो डिमांड किया हुआ प्रोसेस है वो किसी अनऑथराइज्ड यूज़र से तो नहीं आ रहा, कि मतलब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाह रहा हो किसी प्रोसेस की। तो OS सबसे पहले चेक करेगा, अगर तो वो अनऑथराइज्ड यूज़र से एक्सेस हुआ हो रहा होगा तो वो वहीं पर ट्रैप काउंट होगा, बट अगर नहीं हो रहा होगा तो वो सिंपली सेकेंडरी मेमोरी के पास जाएगा और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप प्रोसेस जो CPU डिमांड कर रहा है उसे स्वैप इन कर दो मेन मेमोरी के अंदर ताकि फर्दर एग्जीक्यूशन हो सके। अब मान लो P1 CPU ने डिमांड किया, सेकेंडरी मेमोरी में जाना पड़ा OS को क्योंकि वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं था मेन मेमोरी में, ठीक है? जैसे ही वो गया, स्वैपिंग हुआ प्रोसेस P1, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि जो हमने P1 हम लोग स्वैपिंग किए उसका जो फ्रेम नंबर है हमें वो पेज मैप टेबल में अपडेट करना पड़ेगा ताकि सीपीयू को पेज नंबर बता सके कि आपका डिमांडेड प्रोसेस अब मेन मेमोरी में प्रेजेंट है, राइट? तो जो मेन मेमोरी है उसका जो फाइंड या जो सर्च है वो दो बार यूज होता है। एक बार तो सीपीयू पहले टेस्ट करेगा कि वो प्रोसेस मेन मेमोरी में है या नहीं, दूसरी बार जब वो फ्रेम नंबर अपडेट होगा पेज नंबर के थ्रू सीपीयू को पता चलेगा कि अब वो जो प्रोसेस है वो पहुंच चुका है, तो वो दोबारा से सर्च करेगा कि ऐसा हुआ है या नहीं। तो जो सर्च होगा वो ट्वाइस होगा, राइट? मेन मेमोरी का जो सर्च होगा वो ट्वाइस होगा। तो ऐसे ही जो सीपीयू को अगर प्रोसेस मिल जाएगा सेकंड टाइम में मेन मेमोरी में, तो वो सिंपली उसे एग्जीक्यूट कर देगा। तो डिमांड पेजिंग तभी होती है जब सीपीयू डिमांड करे किसी प्रोसेस की, किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की। लेकिन एक चीज़ है, अगर मान लो कि सीपीयू कोई भी प्रोसेस को डिमांड कर रहा है और एक प्रोसेस मान लो उसे मिल गया सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आने के बाद, और फिर वो दोबारा कर रहा है और वो जितने प्रोसेस को डिमांड कर रहा है उनमें से कोई भी मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, हर बार उसे स्वैप इन कराना पड़ रहा है सेकेंडरी मेमोरी से,
तो रिपीटेड टाइम्स ऑफ स्वैप इन स्वैप आउट कैन कॉज थ्रैशिंग, मतलब पेज फॉल्ट हुआ अगर मेन मेमोरी में सीपीयू का डिमांडेड प्रोसेस प्रेजेंट नहीं है और उसे सेकेंडरी मेमोरी के पास रिक्वेस्ट भेजनी चाह रही है, तो उसे हम लोग पेज फॉल्ट बोलते हैं. तो रिपीटेड पेज फॉल्ट थ्रैशिंग क्रिएट कर सकते हैं, राइट. एक और बहुत मेन पॉइंट है इसका कि जब भी हम ये यहाँ से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी करा रहे हैं, इस बीच अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच है, कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाना, अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच है तो ना तो कोई प्रोसेस स्वैप इन हो सकता है मेन मेमोरी में, ना कोई प्रोसेस स्वैप आउट हो सकता है मेन मेमोरी से, अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर हो रहा है तो, यानी कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, राइट. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ डिमांड पेजिंग. थैंक यू.